नमस्कार आदाब। आदत हो गई है नमस्कार आदाब करने की, तो अभी भी किया मैंने वैसे ही। तो भाई, हमको ठाकुर साहब की तरफ से टास्क दिया गया है हम सबको कि हम ये कहें हमारी लेखन की शुरुआत कैसे हुई। कविता तो मेरी बचपन से ही चल रही है, कैसे कि जब मैं छोटी थी तो अम्मी छोटे छोटे दोहों में और दादी भी कहावतों के जरिए बातें करते थे। हमारे घर थोड़ा सा अलग तरह का साहित्यिक माहौल था, तो मुहावरे और तुकबंदी करना मैंने बचपन से ही सीखा हुआ है, मेरा चला आ रहा है शुरू से। कविताएं तो मैं लिखती ही हूँ। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो समाचार पापा बहुत देखते थे, कोई भी समाचार उनका छूटता नहीं था। तो घर में सब लोग रहते हैं ना, तो हम लोग भी सुनते थे, डिस्कस करते थे अम्मी से, तो हमारा वही माहौल था। इस तरह से हमने क्या किया, आर्टिकल लिखना शुरू किया। और जब हम 15-16 साल के थे तब हमारी नवभारत पेपर आता था, रायपुर से प्रकाशित होता था, उसमें छपते थे आर्टिकल। तो वो सामाजिक और राजनीतिक रहते थे, कहानियाँ हम नहीं लिखते थे। अब हुआ ये कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली स्कूल की, 2017 में हमारी छोटी बेटी ने भी 12th कर लिया। अब हमारे पास रहा नहीं कुछ काम, उसके पहले तो हम पढ़ाते थे उनको बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, वो कभी बाहर नहीं पढ़े, हमने ही पढ़ाया, तो हमारा टाइम कट जाता था। कहानियाँ भी ऑब्वियसली पढ़ते ही रहते थे, लेकिन फिर भी बहुत टाइम रहता था। तो बच्चों ने ना 2017 में कहा कि मम्मा तुम फेसबुक का अकाउंट बना लो, थोड़ा सा मन बहलेगा, अपने जैसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, मोहल्ले में भी बहुत ही कम, रेयरली नहीं जाती थी, कुछ स्वास्थ्य की वजह से भी और कुछ बचपन से आदत नहीं है। तो फिर मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया और तब मुझे मिला फलक, ज्वाइन किया, कहानियाँ पढ़ती थी, देखा भाई लोग कैसे लिखते हैं, काफ़ी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा ये तो मैं लिख सकती हूँ, कोशिश की, लिखना शुरू किया। पहले मैं कच्चा लिखती थी, मुझे खुद को तसल्ली नहीं है, पहले का देखती हूँ तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अभी लगता है कि थोड़ी सी परिपक्वता ज़रा सी आई है। फिर ये किस्सा कहानी चैनल शुरू हुआ तो और थोड़ा लिखने में भी तेज़ी आई, बोलने में भी तेज़ी आई, और चल रहा है कारवां, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। जो भी सोचते हैं लिख देते हैं, खुदा करे हम सबका साथ बना रहे, हम यूं ही लिखते रहें और कोई मंजिल हासिल कर ले, है ना। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। मंजीत सर द्वारा दिए गए टास्क के अंतर्गत प्रथम लेखन की प्रतिक्रिया को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी पहली रचना एक कविता थी, जिस जब मैं बीए में पढ़ती थी तब लिखा था। हुआ ये था कि ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देकर मैं वापस घर लौट रही थी। हालांकि इसको कॉलेज तो बस से ही आना जाना होता था। रास्ते में मुझे अगल बगल दो घर दिखे। एक घर में अर्थी सज रही थी और दूसरे घर में शादी का खूबसूरत सा पंडाल लगा हुआ था। मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि दोनों ही कार्यक्रम में तो अग्नि प्रज्वलित होगी। एक में जोड़े सात फेरे लेकर के अटूट बंधन में बन जाएंगे और दूसरे में शरीर जल करके पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। फिर क्या था, मैं कॉपी और कलम निकाली और रच डाली एक कविता। शीर्षक था अग्नि। घर आकर पिताजी को दिखाई। पिताजी भी कविता और चिंतन मनन लिखते थे और रेडियो में पढ़ते थे। उस वक्त उन्हें 90 रुपया मिला करता था। पिताजी कविता पढ़े और उसमें करेक्शन किए, आग को अग्नि किए और वस्त्र को बसन किए, पीठ भी थपथपाई, शाबाशी भी दिए। माँ भी बहुत खुश हुई, बोली कि बेटा पिता का गुण आ गया है, अच्छा है, लिखती रहो। फिर 10-12 कविताएं लिख दी। उसके बाद शादी हो गई, घर परिवार में उलझ कर रह गई, लिखना छूट गया। लिखती थी स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर। फिर मेरी मौसमी ने मुझे 2019 में फलक से जोड़ दिया। उस वक्त मैं सिर्फ कहानियां पढ़ती थी, लिखती नहीं थी। मैं और मौसमी दोनों एक साथ यहाँ भागलपुर में स्कूल में एक साथ काम किया है। पिछले साल मेरे पति के जाने के बाद मैं टूट गई, अकेली हो गई। बेटा इंजीनियर है, बेटी बैंक में है, अकेली पड़ गई।
फिर मौसमी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि दीदी लिखिए और खुद को डाइवर्ट कीजिए। फिर मैं लिखना शुरू की, कविता से ही शुरू की और कविता लिखी तुम्हारे लिए। लिखती गई, कविताएं लिखती रही। फिर मेरी एक कविता थी बसंत, जिसको मौसमी ने प्रकाशित करवा दिया। मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। फिर मैं लिखती रही लिखती रही। फलक जैसा मंच मिला था, मंजीत सर का सानिध्य। फिर क्या था, एक कहानी मैं लिख डाली जिसका शीर्षक था सपना। बहुत सारे लाइक और कमेंट्स आए, कुछ गलतियां थी जिसको मैंने सुधारा। और फिर आया किस्सा कहानी का कथा वाचन, कथा वाचन भी की। सीखना है बहुत कुछ कहानियां और वाचन की बारीकियों को। आप सबका साथ, प्यार और टिप्स मिलता रहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मिल भी रहा है। अब मेरी दो ही ख्वाहिशें हैं, एक है कि मेरी एकल कविता कहानी संग्रह प्रकाशित हो जाए भोले बाबा की यदि कृपा रही तो, दूसरी मेरी कलम चलती रहे। कलम तो अब चलती नहीं है, उंगलियां चलती है, स्वस्थ और निर्वात चलती रहे। और आप सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, उंगलियां चलाते रहिए। और भोलेनाथ से मेरी दुआ है कि हमारा जो फलक और किस्सा कहानी है वो आसमान छुए। बस नमस्कार। नमस्कार, मैं वंदना पुरोहित आप लोगों को टास्क के अनुसार अपना लेखिका बनने का सफ़र बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने 8वीं कक्षा में अपनी पहली कविता लिखी थी, तब मेरी नानी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी डायरी मेंटेन की, कुछ कविताएं पत्र पत्रिकाओं में दी और फिर उसके बाद ब्रेक सा लग गया। काफ़ी टाइम तक पढ़ाई, शादी, बच्चे, ये सब गृहस्थी के चक्कर में लिख नहीं पाई। और उसके बाद मैंने फेसबुक पर ब्लॉग देखे, बहुत से आते थे तो इच्छा हुई कि लिखना, तो फिर मैंने अपने ब्लॉग बनाया मॉम एस्प्रेसो पर और अपनी कहानी कविताएं उसके ऊपर शेयर की। और फिर फलक के साथ जुड़ गए और फलक पर भी अपनी कहानियां दी। फलक में सबने बहुत सराहा कहानियों को और अभी भी अपने लोकल पत्र पत्रिकाओं में, कुछ पत्रिकाओं में और यूएसए का पेपर है हम हिंदुस्तानी, उसमें अपनी कहानियाँ भेजती हूँ और जब वो प्रकाशित होती हैं तो बहुत हर्ष होता है। और अब किस्सा कहानी चैनल पर आप लोगों के साथ, आप लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लेखनी चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी और ये किस्सा कहानी चैनल आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।